हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, केम छो एंड भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रेवा सन। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे फिल्म ब्लॉग में। तो आज सेकेंड डे है हमारा गोवा में, और आज का क्या प्लान है सब कुछ क्लियर करेंगे। क्या कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, बहुत सारा मजा करना है। फिलहाल सीन ये है कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो हमारे होटल्स के रूम में ही मिल रहा है। तो 8:30 से लेके 10:30 तक हमारा ब्रेकफास्ट है, और अभी टाइम हो चुका है 9:30। तो चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमारा टाइम ख़त्म हो जाए और फ्री का ब्रेकफास्ट हमारा छूट जाए। फ्री का ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका तो पे कर दिया है। तो चलो, और आज सोच रहे कि चलो स्विमिंग पूल भी है वहाँ पर, स्विमिंग पूल में भी जाएंगे नहाने वहाने मस्ती करने। चलो सिवा चलो, एंड सुबह सुबह पूजा मेकअप कर रही है अभी कहीं जाने से पहले। ये स्किन केयर हुआ। तो चलो अब चलते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करके जल्दी से लौटते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। 10 बजने ही वाला होगा और 10 बजे के बाद होता भी नहीं है। आराम से चलो बेटा, आराम आराम से धीरे धीरे चलो। तो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहीं नहीं करने। कहाँ जा रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हैं बताओ, अड़ो ना, कहाँ जा रहे हैं? स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में, नहीं नहीं स्विमिंग पूल में बोलो, स्विमिंग पूल। कल से ये ना बेचैन था, स्विमिंग पूल देख लिया था होटल के पीछे, तो वहाँ पे जाने के लिए ना एकदम बेचैन था। तो सोचे कि चलो अभी तो नहाना ही है इसको, बाथरूम में ना हो जाए वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर लेगा। वैसे भी ये बाथरूम में भी मस्ती करता ही है। अपना खिलौना लिया है? खिलौना नहीं लिया, वो वाला कार, चलो कार लेके आते। तो शिवांश के लिए कार ले लिया है और टॉवल भी ले लिया है, बाबू गीला होगा तो टॉवल में। रुको ना, पापा को आने दो ना बेटू, पापा को आने दो, पापा आ रहे हैं, पापा के साथ चलना, अकेले भागे जा रहे हो। और मैंने ना कल जो पहनाया था इसको कपड़ा वही पहना दिया है। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे मॉर्निंग में कर लिया था और मुझे कुछ ना अच्छा नहीं लगा। इडली था और क्या था, उपमा शायद बोलते हैं उसको, हलवा था। मतलब हमारे यहाँ तो हलवा होता है, बस यहाँ पर होता है कि कुछ फ़ोरन सा दिया जाता है उसमें और चीनी और नमक दोनों होता है। तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा खाया मैंने, मुझे तो लग रहा था कि उल्टी हो जाएगा, अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे हाँ साउथ इंडियन वाला खाना जो होता है ना उसमें से कुछ कुछ अच्छा लगता है, सारा कुछ अच्छा लगता है, डोसा अच्छा लगता है सिर्फ मुझे। रूम लॉक कर दिया आप? अच्छा पता चले वो दोनों लॉक्ड हो गए। चलो पापा नहीं होगा तो खुद ही भाग जाएगा। नाई में अभी तो धूप हो गई है तेज, अगर अभी बीच पे जाएंगे ना तो बहुत तेज धूप लगेगी ना, मौसम अच्छा रहे। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं शिवांश को स्विमिंग पूल में नहाने के। कल से बेचैन है, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। मेरे नाक जो है वो सर्दी हो गए, अजीब सा मेरा मन कर रहा है, और गोवा घूम रहे हैं, हालत खराब हो रही है। चलते चलते तो हालत खराब, कहीं भी ट्रैवल करो ना तो ज्यादा थकान हो ही जाता है। अभी कह रहा नौ, ठीक है मत जाओ तुम, शिवांश नहीं जाएगा, नहीं 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 करेगा शिवांश, शिवांश नहीं करेगा, नहीं नहीं बोट आएगा। क्या, कौन जाएगा? बोट आएगा इसको, इसमें बोट चाहिए इसका तो डिमांड ही अलग होता है। जाओ छुपू छुप कर लो, शूज खोलो, शूज शूज खोल के जाओ, शूज खोल के, शूज खोलो। हाँ तो यहाँ पे चल रहा है ठंडा पानी कंपटीशन, मम्मा बेटा को, बेटा मम्मा को, ये लोग पानी झोंका झोंकी कर रहे हैं। बेटा ये बड़ा वाला स्विमिंग पूल है, इसमें नहीं जाओ, बच्चे के लिए वो वाला है, बुआ के लिए वो वाला है, जाओ बुआ। खड़ा हो ना, इसको लगा सीधी है, बहुत ठंडा पानी है। स्विमिंग पूल में तो वो गर्म पानी मिलने जा रहा है क्या? छुपू छुपू कहीं करेगा शिवांश, छिपू छुपू शिवांश, छपू छुपू का क्या? हे गाइस, तो आज का हमारा प्लान क्या है गोवा का वो थोड़ी देर में बताएंगे आपको। वैसे तो अभी आए हैं स्विमिंग पूल में शिवांश को नहलाने के लिए। शिवांश तो कल से मन था कि स्विमिंग पूल में नहाना है
तो लेके आ गए कल शाम को ही बोल रहा था मम्मी पापा छुपू छुपू करना है इनको स्विमिंग पूल में, बट स्विमिंग पूल का पानी जो है थोड़ा सा गंदा भी मुझे लग रहा है और ठंडा भी है, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा हानि होगा। और वैसे गोवा आके स्विमिंग पूल में क्यों नहाए, गोवा आए हैं तो नहाएंगे बीच में समुद्र किनारे। एंड मैं बोल रहा था कि आज का हमारा प्लान क्या है वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा थोड़ी देर में। वो क्या है फैमिली, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये रहा मेरा नया ड्रेस फर्स्ट। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पति देव ये रहे पति देव, ये तो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिएगा, हमारे गोवा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज हम जा रहे हैं गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए, बीच नहीं जा रहे हैं, बीच जाएंगे बाद में। अभी हम बीच किनारे ही एक प्लेस है वो हम जाएंगे तब बताएंगे। मैं भी मेरा भी दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, हम कहां जाने वाले, नाम थोड़ा अजीब अजीब है ना इस वजह से। हम लोग वहां जाने वाले हैं, हमने स्कूटी रेंट पे ले लिया है और स्कूटी से यहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं ना तो सबसे बेटर ऑप्शन है ट्रैवल के लिए स्कूटी ही, सबसे बेस्ट एंड बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है ट्रैवल। शिवू को दिखाते हैं, शिवू शिवू तो बेटू भी तैयार हो चुका है। हाय करो, हाय हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं जा रहा हूँ घूमने स्कूटी से, लव यू निकलते हैं घूमने के लिए। और एक्चुअली हम हमेशा लेट हो जा रहा है कहीं भी जाने के लिए, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। गोवा घूमना इतना भी ईजी नहीं है, एक तो ट्रेन से ट्रैवल 38 घंटे का ट्रैवल, फिर आने के बाद स्कूटी राइड, पैदल जाना, एक तो बालू पे चलना उससे भी ज़्यादा टफ था। रात को जब हम लोग गए थे कल रात को बीच किनारे, तो जो बालू था ना उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बात है, घर से आप कितने भी दूर चले जाओ ना घर की याद हमेशा आती है, और बार बार कभी मम्मी का कभी पापा जी का कॉल आ रहा है। ऑलरेडी वो लोग ज़्यादा चिंता में इस बात के लिए हो जाते हैं ना कि ये सिवान सवारी साथ है, और दादा और दादी इन दोनों को इनकी चिंता लगी रहती है कि सिवान कैसा है, उसको अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना। मम्मी मुझे बोल रही थी कल कि तुम कम घूमना बट बाबू का ध्यान अच्छे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी स्कूटी से और बहुत तेज, हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। फ्रांस का, मेरा और पूजा का, हम सभी का एकदम गोवा वाला मस्त गोवा वाला ड्रेस, गोवा वाला ड्रेस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शायद पता नहीं म्यूजियम या कुछ है। सिवान को पीछे ले लीजिए, आगे रोक के पीछे दे दीजिए, वो ना जबरदस्ती आगे बैठ के आप पीछे आएंगे ना, और फिर आगे सीधे धूप लगेगी ना उसको। हो जा हो जा, पकड़ो 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 पकड़ो। सेकेंड डे है हमारा गोवा का और हम निकल पड़े हैं प्यारे से राइड के लिए, गोवा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैसा है गोवा, वाकई में कैसा है गोवा? बहुत लोगों का मन में ये क्वेश्चन उठता है कि गोवा कैसा है, तो वो मुझे भी नहीं पता कैसा है, बट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि गोवा वाकई में कैसा है, क्या चार्जेस है। बहुत लोगों के मन में ये चलता है कि दिसंबर के महीने में वहाँ का फेयर क्या रहता है, कैसा है फेयर, होटल्स कैसे रहते हैं, रेट कैसे, लोग मस्ती मौज करते हैं, सबके बारे में आपको फुल फिल जानकारी मिलेगी हमारे ब्लॉग के माध्यम से। एंड बहुत सारा एंजॉयमेंट भी आने वाला है। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी एक प्यारे से प्लेस पे, जिसका नेम क्या है वो जाने के बाद बताएंगे। एंड बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गोवा में ना इस तरह स्कूटी पे घूमने का कुछ अलग ही फील आता है। बाइक पे ऐसे बहुत कम, पूजा के साथ तो मुझे लगता है कि एक या दो बार हम बाइक पे घूमे हैं, एक तो एक ही बार ना पूजा बाइक पे वो भी सूरत में, और सेकेंड टाइम अभी यहाँ गोवा में। और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो स्कूटी लगभग हम चला चुके हैं 7 किलोमीटर एंड अभी एक प्यारे से लोकेशन पे पहुँचे हैं। यहाँ पे इतना सारा बोट है, बहुत सारा बोट है, बट अभी लगता है कि हमारा डेस्टिनेशन कम्प्लीट नहीं हुआ जहाँ पे हम जाने वाले हैं। वैसे बता दूँ ना, यहाँ पे टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, दिसंबर का महीना यहाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिसंबर के महीने में वो भी लास्ट टाइम जो होता है ना वो पीक सीजन होता है, और मतलब क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, तो क्रिसमस से पहले से लेके न्यू ईयर तक यहाँ बहुत ज़्यादा धूम मौज मस्ती धमाका होता है। तो सारे लोग इन्जॉय करने के लिए पूरे देश देश से, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी हमें मिल रहा है, मतलब कि फॉरेनर टूरिस्ट हम लोग भी हैं। वाओ, इतना सारा बोट है, कितना सारा बोट लगा हुआ है यहाँ पे, कैसा किला जैसा इधर लग रहा है ना, यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। और अभी हम लोग घूमने जाएंगे,
ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये काराग्रह है, काराग्रह, पकड़ 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 काराग्रह, कारागृह, कारागृह क्या, जेल। ये एक जेल है जिसका टूर हम कराने वाले हैं आपको, हम आपको लेके चलने वाले हैं जेल। तो फाइनली हमें हो गया जेल, और गोवा पहुंचते हमें हो गया जेल। तो चलो चलते हैं अभी गोवा के जेल में। अभी लगता है कि कुछ दिन हमें जेल में ही रुकना पड़ेगा। तो हम आगे ऊपर से नीचे पानी में, हाँ, नीचे चट्टान एकदम कैसा है। आ गया शिव घूम के।